आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोरोना की दूसरी लहर में जहां एसएन मेडिकल कॉलेज का कोविड हॉस्पिटल फुल थे, आज कोविड हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही मरीज का इलाज हो रहा है। कोविड हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि जिले में कोरोना केस बेशक कम हो गए हों, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही पेशेंट एडमिट है जो अभी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है। करीब 10 लीटर प्रति मिनट की ऑक्सीजन की उसकी रिक्वायरमेंट है। पिछले काफ़ी दिन से ऐसा ही चल रहा है, कभी दो मरीज कभी एक मरीज, इस तरह से बना हुआ चल रहा है कि दूसरी लहर हमारे लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई है। वैक्सीनेशन अभी बहुत द्रुत गति से आगे जा रहा है, लेकिन उसको पूरा होने में दिसंबर तक का एक टारगेटेड समय सोचा जा रहा है। तब तक सभी से ये विनती की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप सब लोग दो गज की दूरी मास्क ज़रूरी, ये स्लोगन का मतलब पूर्णता नहीं अक्षरशः पालन करें, जहाँ तक संभव हो अपने आप को बचा करके भीड़ भाड़ की जगहों से बचें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर हम ये करने में सक्षम रहे तो ये ज़रूर है कि हमारे ऊपर तीसरी वेव के रूप में कोई आपदा नहीं आ पाएगी, हम सब सुरक्षित रहें। लेकिन अगर प्रभु ने ऐसा नहीं चाहा और कुछ ऐसा हम लोगों की खुद की गलतियों से ऐसा हुआ कि एक तीसरी लहर आ गई, उसमें प्रभु की इच्छा नहीं है, हमें लगेगा ये शायद हमारी इच्छा है क्योंकि हम गलती कर रहे हैं। अगर हमारी गलतियों से अगर तीसरी वेव या तीसरी लहर आ गई तो हम लोग इस समय अस्पताल के अंदर सेकेंड वेव से जो भी कुछ हमने सबक सीखे हैं उसके आगे बढ़ करके उसके मुकाबले और भी अगर कठिनाई हमें सामने आती है उसके अनुसार हम लोग अपनी तैयारियों में लग गए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम किसी भी प्रकार की आपदा से सुरक्षित रूप से बाहर आ पाएंगे।